बापू को काका ढूंढना चाह रहे, बापू दे इधर बैठे हुए। तो गाइस मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमारी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट है। सबसे पहले हम गोवा से मुंबई जाएंगे और मुंबई के बाद हम जाएंगे जयपुर, और फिर जयपुर से भी दूसरी जगह जाना है किशनगढ़। लगभग अभी रात के 2 बज रहे, सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, और उसके बाद दूसरी फ्लाइट का मुझे कोई आइडिया नहीं है कितने बजे की है, मैंने देखा नहीं। उसके बाद तीसरी हम 10 बजे तक जयपुर पहुँचेंगे, 10 बजे के बाद हम जाएंगे किशनगढ़। तो लगभग ले लो ना 12 घंटे ट्रेवल में जाने वाले हैं हमारे, बहुत ज़्यादा ट्रेवल होने वाला है, तो ट्रेवल के कुछ शॉट्स आएंगे हमारे। सो गाइस चलो चलते हैं। अब हम हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है बिल्कुल, ड्राइवर वगैरह कहाँ से हमें पिक करेंगे, उसके अलावा एक एक चीज़ हमने सेट कर ली है। अब खाली जाना मामला है, मतलब जाना ही है हमें, तो चलो चलते हैं। कुछ नजर नहीं आ रहा समंदर उससे। तो गाइस आप देख सकते हो रात के 2 बज रहे, सब सो रहे हैं यहाँ पे अभी भी। चलो अब हम चलते हैं हमारी गाड़ी पे। आप देख सकते हो हमारी गाड़ी निकल चुकी है, सब सीधा एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं हम। गाइस फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो एयरपोर्ट में पूरा दिन हो रहा है एयरपोर्ट में। तो ये भैया हमें लेकर आए एयरपोर्ट में, आप देख सकते हो भैया, वो ये सामान है। सो गाइस हम फाइनली अंदर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर घुस चुके हैं। अब चलो हम फ्लाइट के लिए बोर्डिंग वगैरह करवाएंगे। कपल भी हमारे साथ है। और मैम आप कुछ बोलोगे? मैम अभी किस बात की थकान, सोए नहीं आप? कितने बज रहे हैं? 2:30 या 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, और इतने सारे कपड़े थे पैकिंग करनी थी। वेरी एक्साइटेड फॉर जयपुर एज वेल, सो या पुशिंग थ्रू। तो गाइस ये तो सोए नहीं, मुझे लग रहा है कपड़ों के चक्कर में। बाकी मैंने बहुत ज़बरदस्त नींद ली 3 घंटे की आपके सामने। अभी हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हो भैया बड़े तेज़ी में निकल रहे। भैया अमेरिका की फ्लाइट है, इतना तेज़ी में जा रहे हो? आप बताओ क्या क्या चल रहा है मन में? मन में जल्दी पहुंचना है और सोना है। अरे शूट करना है, सोना थोड़ी। तो गाइस देख रहे हो इनके मन में चल रहा है कि सोना है, ऐसी बात नहीं है, शूट करना है। तो गाइस चलो बोर्डिंग वगैरह करवाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, तब तक वीडियो में देखते रहिए। भाई अभी मत सामान भेजो ना, अभी रुको सामान लेना। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी बोर्डिंग हो रही है इस वक्त। ये देखो सामान बहुत सारा है हमारा, आज वेट आ रहा है। वो आप ले जाओ। भाई सारी आईडी दे दो। गाइस बोर्डिंग हो रही है हमारी, सामान की वो हो चुकी है। बहुत ज्यादा बैगेज है यार हमारे वहाँ पे। ये देखो गाइस हमने 2 बैग भेजे हैं यहाँ से, उम्मीद तो यही है कि हमें वहाँ पे भी 2 ही मिलेगी। तो गाइस फाइनली हमारी बोर्डिंग पास हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम जाएंगे सीधा फ्लाइट में, एक दो सिक्योरिटी के बाद यहीं से जाएगा सारा। चलो अब हम चलते हैं, सीधा मुंबई फ्लाइट है अपनी, और मुंबई के बाद है फिर जयपुर। रात के 4 बजे भी भीड़ आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी एक तरीके से रेलवे स्टेशन ही है अपना। मुंबई वाली है बेबी, इसे ना टिकट चेक कर लेना, एक नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमें 2 बोर्डिंग पास मिला, ये देखिए, ये एक मिनट सीधा तो हाँ, गोवा टू मुंबई टर्मिनल 1 एंड देन मुंबई टर्मिनल 1 टू जयपुर। चलो चलते हैं हम सीधा मुंबई, फिर वहाँ से चले गए जयपुर। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा मेरा मुंबई का फर्स्ट टाइम है ये,
फर्स्ट टाइम मेरा मुंबई, मतलब वो भी हम खाली फ्लाइट जाएगी हमारी, वरना मुंबई भी शूट रखते ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। अब चलो सीधा चलते हैं हम मुंबई, फिर वहाँ से जयपुर। सो गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, आप देख सकते हो यहाँ पे गोवा का पूरा एयरपोर्ट का ये रास्ता वो है, नक्शा बना हुआ मैप है ये देखिए। हम यहाँ से ही इंटर हुए थे जहाँ पे मैंने बोला था कि गोवा एयरपोर्ट आ चुका है, ये देखिए। ये ड्रोन शॉट ले रहा हूँ उसका अपने फ़ोन से, और बहुत यूनिक चीज़ लगती है ये देखो। ये वो जगह है जहाँ से हमारा प्लेन वो होगा टेक अवे, ये देखिए बाकी। अब चलो चलते हैं। सो गाइस ये थोड़ी यूनिक सी चीज़ें होती है जो मज़ा आता है देख के। सो गाइस फाइनली हमारी सारी चेकिंग वगैरह हो चुकी है अब, और उसके बाद अब हमें जाना है सिर्फ फ्लाइट के अंदर बैठने के लिए। एक एक चीज़ चेक कर ली, ये सामान खोलने की झंझट जो होती है ना, देखो रवि भी अभी भी कर रहे, ये सबसे मेन होता है। ये पार हो गया, मतलब आधा मिशन से ज़्यादा पार हो गया, अब तो बस उधर जाना है। बाकी आपकी चेकिंग भी हो गई क्या? भैया किधर है? उधर आ गए। हाँ तो गाइस भैया आ रहे हैं हमारे, ये चलिए अब चलते। तो गाइस चलो फाइनली हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है, अब जहाज में बैठने के लिए चलते हैं। ये यार वाकई में ये बहुत जिम्मेदार बंदे हैं, ये सबसे अलग है वाकई में, ये अलग ही चीज है। हम इनने पूरी नींद ली थी पूरी रात मैं ही सोया हूँ, पूरी रात मैं सोया हूँ और हर जगह खाता पीता मैं रहा हूँ, सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मजे ही लेके भाई जिंदगी है तो एक ही मिली है यार। जहाज में चलते वो रहा जहाज। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है इस वक्त। बस आप देख सकते हो इंटर हो चुके हैं हम। चलो फ्लाइट के अंदर का कुछ नज़ारा बताता हूँ मैं आपको, जहाज के अंदर का देखो दोस्तों, हमारे सामने से जा रहा है चाइनीज समेकिया। चाइना का समेकिया होता है वो, तो गाइस फाइनली हम फ्लाइट पे बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट उड़ेगी, मैं सो जाऊंगा गाइस। जितने भी मैंने वीडियो बताई है काफ़ी, मेरे को नींद बहुत आ रही है सीरियसली। ये मेरे साथ बैठे हुए मिस्टर अजय और ये रवि भैया बैठे हुए हमारे बड़े भाई। बाकी ये पूरी फ्लाइट देख सकते हो भरी भी नहीं है, खाली है बोर्ड, पीछे भी देख सकते हो। तो चलो गाइस हम जैसे ही लैंड होते हैं मुंबई में, मैं मुंबई का एयरपोर्ट आपको बताऊँगा क्योंकि हम मुंबई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो आधी लाइट और आधा समुंदर है, ये गोवा का व्यू है। सो गाइस फाइनली हमारी फ्लाइट उड़ चुकी है मुंबई के लिए, तो चलो मुंबई चलते हैं अब। फाइनली मुंबई एयरपोर्ट देख सकते हो आप। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये आपके मुंबई एयरपोर्ट पे, अब यहाँ से जाएंगे हम जयपुर के लिए दूसरे जहाज में बैठने। तो मुंबई में भी थोड़ी ठंड है इस वक्त, बहुत माइनर से मज़े वाली ठंड है, बचकानी ठंड जो होती है ना, बचकानी जो ठंडक से पहले आती है वो वाली ठंड हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं ये देखो जहाज ही जहाज है इधर। आपको तो पता है मुंबई का ये बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, ये मिल चुके हैं हमारे कपल वापस हमको। वाह ये लोग ने हमारा फोटो लिया है, ये साइन करना मुझे। तो गाइस आप देख सकते हो। सो गाइस चलो हम चलते हैं दूसरे जहाज में। सीरियसली मुझे मुंबई का एयरपोर्ट में अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पता है कि मुंबई आने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन आपको तो पता है हम बहुत बिजी बंदे जो आ नहीं सकते यार, तो ये शूट लग ही गया हमारा मुंबई में। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ये बना हुआ है टूरिस्टों के लिए मुंबई में। सो गाइस चलो हमें पता चल चुका है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाती है, तो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि हमारी पता नहीं चल रहा कि फ्लाइट कहाँ पर है। बाकी ये कपल आ रहे हैं, नहीं आ रही है, ये देख सकते हो गाइस। बाकी चलो हमें यार ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें दी नहीं गई कि यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ पे आपका जहाज मिल जाएगा आपको जहाज, तो इस वजह से पता नहीं था गाइस। तो चलो हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, खुद ही ढूंढा है, तो चलते हैं अब हम। तो गाइस फाइनली हमारी चेकिंग वगैरह हो चुकी है, अब वापस जाने से जहाज़ में बैठने के लिए। ये अजय भाई को रोक लिया था ये ड्रोन, भाई क्यों चलाते हो जब लोग मना करते हैं तो ड्रोन का।
इनको ही नहीं, मेरे को भी रोका गया था एक्चुअली, थोड़ा कैमरा एक्सेसरीज सेंसिटिव सामान होता है। तो चलो हम चलते हैं सीधा ये रास्ते से सीधा फ्लाइट पे, मैं आपको बताता हूँ अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो रास्ते में। हमें यहाँ पे बहुत ही खास शख्स मिल चुके हैं, हमारे बापू। ये रहे देखो आप बापू, बापू को कहाँ ढूंढा जा रहा है, बापू तो इधर बैठे हुए, बापू ने आराम से बैठे हुए सो नहीं रहे। जय माता दी बापू। तो गाइज आपको कैसे लगा बापू को देख के? मुझे तो बापू को देख के मजा आ गया। गाइज हमारी ब्राइड कुछ कहना चाहती है, आप क्या कह रहे हो शूट के बारे में? मैं कह रही हूँ कि आज हम पूरा दिन रिलैक्स करते हैं। ऐसा क्यों? रिलैक्स वाली शूट ले लो आप। तो गाइज दो दिन से हमने और इनने दोनों को एक दूसरे को बहुत ज्यादा थकाया। हम इसीलिए कह रहे थे कि लिमिटेड ड्रेस रखो, थोड़ा सा रेस्ट भी करेगी। आप इतने ड्रेस लेकर आके इस वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी, आराम से शूट करेंगे। आपको पूरा रिलैक्स मिलेगा गाड़ी में, होटल में आराम से किशनगढ़ का शूट करेंगे। जब तो हम बस में आ चुके थे, बस में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारी, क्या कहते हैं, ये बस हमें पहुँचाएगी आपके जहाज तक ले जाएगी, फ्लाइट तक ले जाएगी। देख सकते हो एक फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है, ये वाली काम खत्म। ये हमारा जहाज निकल चुका है, ये हमारी गाड़ी निकल चुकी है ट्रेन। तो गाइस आप देख सकते हो हम वापस दूसरे जहाज में जा रहे हैं। चलो फाइनली हम बैठ चुके हैं दूसरे प्लेन में, अब यहाँ से हमारी फ्लाइट जाएगी जयपुर। आप देख सकते हो ये व्यू आ रहा है इस वक्त यहाँ से, अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस हमारा केएफसी यहाँ पे मिल जाता है ना हमें सुबह सुबह, यहाँ पे मजा आ जाता है इधर, केएफसी पेप्सी में ही जाना पड़ेगा हमें। सो गाइस आप देख सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गाइस ये जयपुर। चलो आगे क्या होता है देखते हैं। जयपुर एयरपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा जोड़ा बना रखा है इन लोगों ने। तो भाई आप देख सकते हो दोनों भी पहुँच चुके हैं। या यू विल गो ऑन टुडे, हम आज का जो है ना शूट बिल्कुल शांतिपूर्वक, टेंशन नहीं। आप देख सकते हो ये सारी चीजें सेट हो चुकी है, सारा सामान अब जाएगी हमारे होटल की ओर। हमें लेने के लिए आ रहे मिस्टर अंसारी, जिनका दो बारी चालान हो चुका है। हाँ दो बारी चालान हो चुका है, मैंने बचाया था आपके सामने वीडियो बना के, मैंने वाला वीडियो डाला नहीं। लेकिन चलो तो चलते हैं, जो भी होता है आपको बता दे है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े हुए हमारे अंसारी भाई, किधर है ऐसे लेके खड़े हुए क्यों नहीं है? अंसारी भाई को भाई फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया है यहाँ ना, जयपुर पे आते ही ना पुलिस पकड़ना स्टार्ट कर देती है हमें जयपुर। गाइस मैं यही बोलूंगा अंसारी भाई सही नहीं चलाते होगे, इसीलिए पकड़ा है उन्हें, वरना यार एक बंदा ड्राइवर को तो पकड़ ही नहीं सकती, सारे प्रूफ होते उनके पास। चलो रोड पे चलते सीधा। तो गाइस आपने हमारी जर्नी देखी गोवा टू मुंबई, मुंबई टू जयपुर। तो गाइस फाइनली हम जयपुर पहुंच चुके हैं, तो चलो वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर दे, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम प्री वेडिंग शूट करने के लिए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।